स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेके काफ़ी समय से भारत में बहस चल रही है, लेकिन अब टेस्ला के सीईओ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी यानी कि एलन मस्क ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टेस्ला कारें दुनिया की टॉप लीडिंग कारों में से एक है और टेस्ला एक ऐसी कार है जो बिना ड्राइवर के भी चलाई जा सकती है, यानी कि आप उसमें लोकेशन डाल दें कि मैं यहाँ से बिहार जा रहा हूँ, वो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा देगी। और भारत में टेस्ला कारों की एंट्री बहुत जल्द होने की उम्मीद है, यानी कि अभी भारत में टेस्ला कारें नहीं आई, उम्मीद है कि जल्द ही ये कारें भारत में भी आपको नजर आएंगी। एलन मस्क का मिशन है कि वो लोगों को मंगल और चांद पर बसाएं, इसके लिए वो बहुत समय से कार्य कर रहे हैं, काम करे। उन्होंने भी एक रॉकेट बनाया था जिससे वापस भी बुलाया जा सका, यानी कि जो रॉकेट एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता है, लेकिन उन्होंने उस रॉकेट को वापस भी बुला लिया। अभी हाल ही में उन्होंने एक स्टारशिप नाम से रॉकेट बनाया था जिसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी और 121 मीटर उसकी लंबाई थी और 9 मीटर उसकी चौड़ाई थी। एलन मस्क ट्विटर के भी सीईओ हैं। $44 बिलियन में 2022 में इसको उन्होंने खरीदा था, जिसकी वर्थ अब कई गुना ज्यादा होगी और 74% इसमें उनकी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भी चुनाव हैं, वहां जो बाइडेन उनके दोस्त चुनाव लड़ रहे हैं और भारत में उनके दोस्त हैं माननीय मोदी जी। एलन मस्क ने ईवीएम को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया है कि जिन चीज़ों को प्रोग्राम किया जाता है उनको हैक किया जा सकता है, जिन चीज़ों को प्रोग्राम नहीं किया जा सकता उनको हैक करना मुश्किल है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम प्रोग्राम नहीं करते, जैसे कि पेपर वैलेट से अगर आप चुनाव करते हैं तो कागज़ में किसी तरह का प्रोग्राम नहीं होता है, लिहाजा उसको हैक नहीं किया जा सकता। ईवीएम में प्रोग्रामिंग होती है, ईवीएम में एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कई देशों में बहस चल रही है, इसमें भारत भी शामिल है। भारत में ईवीएम को लेकर कई बार आंदोलन हुए हैं, कई बार ईवीएम की गुणवत्ता को लेकर यहाँ पर सवाल उठ चुके हैं। हालांकि हमारे चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम सुरक्षित है, इसमें छेड़छाड़ करना मुमकिन नहीं है। एलन मस्क ने कहा कि इंसानों से और एआई से ईवीएम को खतरा है, लिहाजा इसे ख़त्म कर देना चाहिए।